नमस्कार मित्रों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं, अगर आपकी पत्नी किसी भी केस के अंदर कोर्ट में आकर झूठी गवाही देती है, आपको पता है कि आपकी जो पत्नी है वो झूठ बोल रही है और कोर्ट में आकर वो झूठी गवाही देती है, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे वो 498A का केस हो, चाहे वो कोई भी मेंटेनेंस का केस हो, सेक्शन 125 CRPC का केस हो, अगर आपको लगता है कि आपकी जो पत्नी है कोर्ट में आकर झूठी गवाही दे रही है तो कैसे आप अपनी पत्नी को कोर्ट में सजा दिलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात करूँगा, अगर कोई व्यक्ति भी कोर्ट में आकर झूठी गवाही देता है, चाहे वो पति ही है, अगर पति भी कोर्ट में आकर झूठी गवाही देता है तो पत्नी भी अपने पति को सजा दिलवा सकती है। तो आज की ये वीडियो पत्नियों के लिए भी है, पतियों के लिए भी है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर कोर्ट में आकर वो झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, तो कैसे आप उसे सजा दिलवा सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेक्शन 340 CRPC के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे, अगर कोई कोर्ट में झूठी गवाही देता है तो कैसे आप उसे सजा दिलवा सकते हैं, तो वीडियो को कृपया बिना स्किप किए हुए एंड तक देखते रहें, ताकि आपको जो है संपूर्ण जानकारी इसके बारे में मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई भी केस हो, किसी तरह का भी केस हो, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में आकर झूठी गवाही देता है, चाहे उसने अपनी कंप्लेंट में कुछ भी लिखा हो, कोर्ट में कंप्लेंट करता है, चाहे पति है चाहे पत्नी है, लेकिन अगर वो कोर्ट में आकर जब एविडेंस होती है, तो चाहे पत्नी है चाहे पति है, कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में आकर जब उसकी गवाही होती है ओथ पे, ऑन ओथ, तो कोर्ट में अगर वो झूठ बोलता है, अगर बाद में हम उस झूठ को प्रूव कर देते हैं कोर्ट में कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, झूठी गवाही दी है, तो कोर्ट में हम उसे सजा दिलवा सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं मेंटेनेंस के केसों के बारे में। अगर मेंटेनेंस का केस, पत्नी ने अपने पति पर मेंटेनेंस के लिए केस किया है कि मुझे अपने पति से मेंटेनेंस दिलवाया जाए, कि मैं अपना जो भरण पोषण है करने में असमर्थ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे जो अपने पति से मेंटेनेंस दिलवाई जाए, यहाँ पर जो पत्नी अगर कोर्ट में आकर जब उसकी एविडेंस होती है ऑन ओथ पर, अगर वो गवाही देती है कि मैं कोई भी जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मुझे अपने पति से खर्चा दिलवाया जाए, लेकिन पति को पता है कि पहले भी वो जॉब कर रही थी, अभी भी जॉब कर रही है आपकी पत्नी जो है, तो आप जब भी क्रॉस करते हैं तो आपके पास मान लीजिए हर एक डॉक्यूमेंट है ये बताने के लिए कोर्ट में कि जो आपकी पत्नी है वो वर्किंग है, काम कर रही है, उसको जो है मेंटेनेंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप जब क्रॉस करते हैं, आप अपनी पत्नी को डॉक्यूमेंट दिखाकर जो आपके पास हो, ये साबित करने के लिए कि आपकी पत्नी जो है वो जॉब कर रही है कहीं पर, तो आप अपनी पत्नी से कन्फ्रंट करा सकते हैं। अगर आपकी पत्नी वो डॉक्यूमेंट देख के मान जाती है कि वाकई मैं जॉब कर रही हूँ, तो उसका जो झूठ है वो कोर्ट के सामने आ गया कि पहले उसने अपनी गवाही में क्या बोला था कि मैं कोई भी जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब सब डॉक्यूमेंट कोर्ट को सामने पेश किए, कोर्ट को दिखाए कि आपकी जो पत्नी है वर्किंग है, पत्नी भी यहाँ पे मान जाती है कि मैं वर्किंग हूँ, तो जो झूठ है कोर्ट के सामने पत्नी का आ गया। अगर आपकी पत्नी नहीं मान रही है कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ डॉक्यूमेंट देखने के बाद भी, तो आपके पास और भी तरीके हैं ये साबित करने के लिए कि आपकी पत्नी है वर्किंग है, जॉब कर रही है ऑलरेडी, लेकिन जब आपने डॉक्यूमेंट दिखा कर आपकी पत्नी मान जाती है क्रॉस में, आप कन्फ्रंट करा देते हैं कि वो वर्किंग है, जॉब कर रही है, तो उसका जो झूठ है वो कोर्ट के सामने आ गया। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपको सेक्शन 340 की जो प्रोविज़न है, आप ये बात कोर्ट के सामने लेके आ सकते हैं, या आप एक एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं कि देखिए पहले इसकी गवाही में इसने झूठ बोला कि जॉब नहीं कर रही है, लेकिन अब मान दे कि जॉब कर रही है, झूठ है इसमें, इसने जो है कोर्ट में आकर झूठी गवाही दी है, तो कोर्ट भी देखेगा, तो वो 340 की जो प्रोसीडिंग है एक बिल्कुल अलग केस होता है, जो आपका ये मेन केस चल रहा है, मेन केस से बिल्कुल हट के ये अलग प्रोसीडिंग चलती है कोर्ट में 340 के अंडर, तो इसमें आप अपनी पत्नी को वजह सजा भी दिलवा सकते हैं। हालांकि आपकी पत्नी को सजा कितनी मिलेगी ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्नी ने जो कोर्ट में झूठ बोला है वो कितना बड़ा झूठ बोला है, उसके हिसाब से जो कोर्ट है सजा आपकी वाइफ को दे सकता है, पत्नी को ही नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट में आकर झूठी गवाही देता है और झूठी गवाही बाद में साबित हो जाती है कि इस बंदे ने झूठी गवाही दी है कोर्ट में आकर, उसे 340 की प्रोविजन के तहत सजा दिलवाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी ही मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।